आज हम बिल्कुल आसान तरीके से आटे से बहुत ही ज्यादा यूनिक और नए तरीके की ऐसी फ्लावर शेप में मटरी बनाकर तैयार करेंगे जो देखने में भी एकदम यूनिक और बनाने में एकदम आसान। और इसे आप एक बार बनाकर 1 से 2 महीने स्टोर भी कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी, खस्ता और स्वादिष्ट बनती है। तो वीडियो तो आप सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है, बस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो से आपको आइडिया भी काफी मिलने वाला है और वीडियो को आप लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं फ्लावर शेप में ये मटरी। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर 1 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है और मेरा आटा वैसे पैकेट वाला है, आप कोई भी आटा ले सकते हैं। और 1 कप ही मैंने मैदा लिया है, तो दोनों को मैं मिक्स करके बनाने वाली हूँ। आप चाहे तो देखिए खाली आटे से बना सकते हैं या फिर मैदा से। और 1 चम्मच मैंने बेसन डाल दिया। अगर आप ऐसे मिक्स करके बनाएंगे ना तो और भी ज़्यादा अच्छी बनती है। तो ऐसा नहीं है कि आटे से नहीं बनती, आटे से भी बहुत अच्छी बन जाती है। अब थोड़ा सा नमक और मिक्स ऐसे मसाला मैंने पीस कर रखा है, इसके अंदर अजवाइन मतलब जीरा ये सब है, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे जिससे ये खस्ता भी बने और क्रिस्पी तो बहुत ही बनती है। आराम से आप बनाकर 1 से 2 महीने स्टोर कर सकते हैं, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगी। तो बस ऐसे पहले मिक्स करें और आटा थोड़ा सा आपका क्रमली सा होना चाहिए जिससे ये खस्तापन ज़्यादा आता है। फिर नॉर्मल पानी से आटा तैयार कर लेंगे बीच बीच में ऐसे डालकर, और थोड़ा सा टाइट ही आटा तैयार करेंगे, ऐसे सॉफ्ट नहीं। तो यहाँ पर बस थोड़ा यही ध्यान देना है, आटा आपका थोड़ा सा मतलब रोटी वाले आटे से हल्का सा टाइट रखना है। और अच्छे से गूंथ कर आटे को सेट कर ले। तो अभी देख सकते हैं आटा आपको थोड़ा टाइट ही दिख रहा होगा। अब इसको रख देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए, आटा अच्छे से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 मिनट बाद मैं आटे को देख रही हूँ, आटा थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, ऐसे थोड़ा फिर से गूंथ कर सेट करें। अब इसके बाद हाथ पर चाहे तो हल्का सा ऑयल लगा सकते हैं। तो आटा देख सकते हैं अच्छा सा हमारा तैयार हो गया, 2 भाग में डिवाइड करेंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर कोई भी ऐसे राउंड में कोई बोतल का कैप या फिर ऐसे मतलब होता छोटे साइज का बड़े साइज का जैसा भी आप ले सकते हो, वो आगे मैं बताऊंगी। तो यहाँ पर पहले बेल लेंगे सरफेस पर रखकर इसे बड़े से साइज में, तो यहाँ पर अच्छे बड़े साइज में बेलना है और एकदम पतला बेलना है, जितना पतला आप बेलेंगे ना उतना ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो आटे से भी आप अलग अलग तरीके के स्नैक्स बना सकते हैं और मैंने काफ़ी वीडियो शेयर की है और अच्छे भी बनते हैं, ऐसा नहीं है कि आटे से अच्छे नहीं बनते। तो जितना हो सके आप इसे एकदम बड़े और पतले साइज में ऐसे बेल कर तैयार कर लें। अगर आप इसे ज़्यादा थोड़ा मोटा रखेंगे ना तो अच्छा नहीं बनेगा, जितना क्रिस्पी और अच्छा बनाना ना उतना ही आपको पतला मतलब तैयार करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल पतला ही रखा है। अब जो बोतल का कैप है ये ऐसे थोड़ा छोटा है, तो ये थोड़ा सा ये भी बोतल का ही कैप है, जो ऐसे हाजमोला की छोटे कांच की बोतल आती है ना उसका कैप है। तो इससे आप ऐसे कट कर सकते हैं, तो ये साइज़ बिल्कुल सही है। तो ऐसे घर में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, उन सब से आप छोटे या बड़े साइज़ में जैसे बनाना हो ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। ज़्यादा बड़े साइज़ में भी नहीं बनाना, बस ऐसे ही या फिर थोड़े छोटे और साइज़ में बना सकते हैं। अब एक्स्ट्रा जो आटा साइड में निकला है उसको हम निकाल लेते हैं, तो सभी बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ की बराबर साइज़ कट जाते हैं ऐसे। अब इसके बाद सूखा आटा या मैदा ऊपर से हल्का सा स्प्रिंकल करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या है ये ऐसे चिपकने लगता है, तो कभी कभी आप थोड़ा सा सूखा आटा या मैदा डाल लें, हल्का सा ही आपको लगाना है। ऐसे रखते जाएंगे तो यहाँ पर 6 मतलब रखेंगे दूसरे के ऊपर हल्का सा सूखा आटा लगाकर, तो आटा लगाने का क्या फ़ायदा वो आपको अभी पता चल जाएगा। अगर आप आटा नहीं लगाएंगे ना तो अभी ऐसे चिपकने लगता है इसी टाइम, एक एक को अलग नहीं कर सकते। अब कोई भी मतलब ऐसे साइज का चाकू के पीछे की तरफ से या चम्मच ले और ऐसे दबाकर मतलब कट जैसे लगाना है, मतलब नीचे तक कट नहीं करना है। सभी लेयर अच्छे से सेट हो जाती है। फिर दोनों किनारे को उठाकर हल्का सा ऐसे दबाएंगे, थोड़ा सा राउंड में घुमाएंगे, तो ये एक फ्लावर की शेप में हो जाता है, ऐसे खुलता नहीं। फिर आप थोड़ा सा इसकी पत्ती है ना उसको सेट करें आगे पीछे, जिससे एकदम ये फ्लावर की शेप में आ जाएगा। तो हल्का सा ही बस हाथ से आपको सेट करना है, थोड़ा सा इसकी जो पत्ती है ना उनको आगे पीछे कर कर ऐसे आप बना लें और बिल्कुल आसानी से बन जाता है, एकदम यूनिक। और बाद में जब ये हम फ्राई करेंगे ना तो और ज़्यादा फूल जाता है। तो बस ऐसे ही आपको तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर 6 तो आपको लेना ही है, आप चाहे तो 7 या 8 भी ले सकते हैं, मतलब ऐसे ये छोटी छोटी पूरी ऐसे जो बनाई है ना। फिर चाकू को उल्टी साइड से रख कर बस ऐसे आपको करना है। तो यहाँ पर ये ऐसे ही देखिए बन जाता है, आप चाहे तो ऐसे ही बना सकते हैं बिना कुछ करे, बस किनारे की तरफ से दबाए, तो ये भी थोड़ी सी अलग सी शेप बन जाती है। तो जब आप बनाएंगे ना तो आपको आइडिया भी काफ़ी आने वाला है इसमें।
अलग अलग शेप भी आप बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा इसी टाइप में बना रही हूँ। सभी को ऐसे राउंड में हम तैयार कर लेंगे। तो सिंपल तरीके से तो देखिए आपने खूब अलग अलग तरीके की मटरी बनाई होगी, लेकिन ऐसे फ्लावर शेप में आपने मटरी शायद नहीं बनाई होगी। आप एक बार बनाकर जरूर देखना, आपको ये तरीका बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। जब आप इसे फ्राई करेंगे ना, तब देखना कितना अच्छे से ये फूलता है और एकदम फ्लावर की शेप में बन जाता है। तो यही एक खासियत है इसकी। तो यहाँ पर सभी को देखिए मैंने तैयार कर लिया, तो देखने में तो एकदम बहुत ही यूनिक अच्छे से दिख रहे हैं। चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। तो इसे यहाँ पर फ्राई करेंगे तभी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑयल मैंने देखी गरम कर लिया, फिर भी आप थोड़ा सा चेक कर लें इसे डालकर कुछ थोड़ा सा। जैसे आप डाल रहे हैं बस कुछ देर बाद ऊपर आ जाना चाहिए। अब डालकर ऐसे फ्राई कर लें, बिल्कुल तेज़ मतलब तेल होना चाहिए आपका गर्म शुरुआत में। और जैसे ही आप डाल देते हैं ना, यहाँ पर गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर दे तुरंत। उसके बाद आपको मिक्स करते हुए पकाना है। जितना आप इसे अभी लो पर पकाएंगे ना, उतना ही क्रिस्पी होगा। तो इसकी लेयर जो है वो तो एकदम अच्छे से फूल कर बाहर आ जाती है और ये अपने शेप में एकदम फटाफट आ जाता है। 1 मिनट से भी कम समय लगता है जब आप डालते हैं ना, तुरंत ही ऐसे तैयार हो जाता है। अब इसे क्रिस्पी होने तक 2 से 3 मिनट और ऐसे फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर पूरे समय अभी गैस की फ्लेम लो ही रखेंगे लास्ट तक। जितना ये क्रिस्पी धीरे पर पकेगा ना, उतना ही अच्छा सा ब्राउन कलर आएगा और बाद में क्रिस्पी होने के साथ साथ खस्ता भी बनेगा। तो यहाँ पर देखिए अच्छा सा ब्राउन कलर आ गया, मतलब बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा और मिक्स करते हुए पकाए फिर निकाल लें। तो 4 से 5 मिनट में एक बैच को आप ऐसे फ्राई कर सकते हैं और ये एकदम बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है, ऑयली बिल्कुल भी नहीं बनता है। अब बाकी है उसको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो दूसरी बार जब आप फ्राई कर रहे हैं ना, तो गैस की फ्लेम को कुछ देर मतलब तेज रखें, तेल फिर से गर्म करें, फिर आप डालें और फिर एकदम गैस की फ्लेम को लो करते और मिक्स करते हुए पकाएं और ये तुरंत एकदम ऊपर आ जाते हैं आप देखेंगे, और बहुत ही अच्छे बनते हैं एकदम फ्लावर किसी शेप में। तो ऐसे ही आप बना सकते हैं। तो बस आपको पहले ही बनाने में टाइम लगता है, फ्राई करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। एकदम क्रिस्पी अच्छा सा ब्राउन कलर आ गया, अभी निकाल लेते हैं। तो ऐसे बनाकर आप इसे स्टोर कर सकते हैं आराम से, काफ़ी दिनों तक खा सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी अगर आप ऐसे अलग तरीके से भी इसे तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर सभी को देखिए हमने तैयार कर लिया, तो लग रहे हैं ना एकदम क्रिस्पी। अभी गर्म है और देख सकते हैं इसकी शेप एकदम अच्छे से मतलब फूल गए, जो अंदर जो लेयर है ना ये बीच बीच में एकदम क्रिस्पी और फूली फूली। तो एक थोड़ा सा ऐसे टूट गया, एक दो ऐसे तो हल्का हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं टूटते, आसानी से आप बना सकते हैं। तो ऐसे तैयार करने के बाद देखिए मैं दिखा देती हूँ, क्रिस्पी भी बहुत है। मतलब अभी चाहे तो ऊपर से इसके ऊपर चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर ये सब डाल सकते हैं। मैंने मिक्स करके रखा मसाला, तो ऐसे आप डाल देंगे। जितना आपको स्पाइसी तीखा पसंद है, जैसे कुरकुरे का सा टेस्ट आता है ना, कुछ ऐसे लगेगा नमट्री जो ऊपर से मसाला डालते हैं ना, और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी देखिए बन और खस्ता भी बनी है और स्वादिष्ट तो बहुत ही बनती है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बनाने में तो आपने देखा कितना आसान। ऐसे बनाकर आप काफ़ी दिनों तक खा सकते हैं, एकदम क्रिस्पी खस्ता बने रहते हैं और सभी को पसंद आने वाले हैं। अगर आपको ये रेसिपी कुछ नई अलग लगी हो, पसंद आई हो फ्लावर शेप में मटरी की रेसिपी, तो आप वीडियो को लाइक और कमेंट करके फीडबैक जरूर दें कि आपकी रेसिपी कैसी लगी। आप ट्राई करेंगे तो आपको पसंद बहुत आने वाली है, आप ट्राई करना। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे इसी तरह की यूनिक और नई रेसिपी के साथ। और दिखा देती हूँ फिर से मैं कितनी क्रिस्पी और खस्ता है देखिए।